नमस्कार मेरे सेल्फ ट्रेनर, स्वागत है आपके आपके अपने YouTube चैनल कमांडो के लिए। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली आंसर की को लेकर है, साथ ही फिजिकल की अपडेट को लेकर। क्या आंसर की कब तक आएगी क्योंकि आपको तो पता है अब जो वापस री एग्जाम हुआ वो भी हो गया, तो क्या आंसर की आने वाले एक दो दिन के अंदर आ जाएगी। कल का दिन तो आ गया है संडे, तो कोई चांस नहीं है। क्या मंडे या ट्यूजडे तक आंसर की आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, कोई संदेह नहीं। जो आंसर की बुकी थी पिछली बार आंसर की एग्जाम के 5 दिन बाद में आ जाती है, जब एग्जाम खत्म होते हैं उसके 5वें दिन तक आंसर की आ जाती है। अब इस एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं आई है। अब 30 तारीख को एग्जाम हो गया है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 4-5 तारीख तक आंसर की आ जाएगी। आंसर की का आपको कोई पता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सब चिंतित है फिजिकल को लेकर, और होना भी चाहिए क्योंकि दिल्ली पुलिस में आप सबको पता है 10% बच्चे ही फिजिकल पास कर पाए थे। और मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी का भी अगर पिछले साल का आप रेस्ट भी निकालोगे तो उसमें भी 30% से ज्यादा बच्चे फिजिकल में फेल हुए थे, 70% ही पास हुए थे। अब आप एक बात ध्यान रखना, 30% बच्चे फेल होना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि एसएससी जीडी का फिजिकल का क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक ही चीज है वो है रनिंग, वो है रनिंग। 5 किलोमीटर की जो रनिंग है इसमें कई बच्चे फेल हो जाते हैं और फिर बाद में पछताते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 5 अगर मान के चलिए कि आंसर की आपकी, अब सबको बता मान के क्या चलिए 5 तारीख तक आपकी आंसर की आ ही जानी है। इसके बाद में फिजिकल की डेट 2 चीज पे डिपेंड करती है कि इस बार के इलेक्शन का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप सब में से लगभग सबने ये सोच रखा है कि आपका फिजिकल जून के बाद होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बहुत मुश्किल है कि जून के बाद आपका फिजिकल इसकी कट ऑफ जारी होने के बाद ही, यानी 5 तारीख को आंसर कह जाएगी तो मान के चलिए 15 से 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक आपकी कट ऑफ जारी हो जाएगी एसएससी की, और उसके बाद में आपके आगे के पूरी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जैसे कट ऑफ आएगी उसके आगे जो फिजिकल की लिस्ट आएगी साथ में आ जाएगी, कट ऑफ में जो जो बच्चे आएंगे वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ इलेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो मई के महीने में आपके फिजिकल शुरू होंगे, यानी आपके पास में जो समय बचा है वो बचा है अप्रैल का महीना, 1 महीने के आसपास का समय है, फिजिकल तैयार कर लीजिए। और आप सबको मैं एक चीज बता दूं कि आपको इसी समय से यानी अभी से फिजिकल, कम से कम हमारे अकेडमी में जितने बच्चे जिन्होंने एसएससी का पेपर दिया है जिनके अच्छे नंबर है, हम सब उनके फिजिकल बेच आपको पहले बताया था शुरू कर दिया है, साथ में प्री मेडिकल बेच भी शुरू कर दिया है। किसी भी बच्चे को प्री मेडिकल कराना है तो करा सकता है, प्री मेडिकल के कई फायदे हैं ध्यान रखना। मेन फायदा यह कि एसएससी जीडी में आपको प्री मेडिकल का मौका नहीं मिलता, यानी जिस दिन मेडिकल होता है उसी दिन प्री मेडिकल होता है, तो आप कुछ भी ठीक नहीं करा सकते। प्री मेडिकल से फायदा ये कि आपको किसी चीज जो आपके शरीर में कोई बीमारी है किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसका पता चल जाता है, उसका आप बचाव भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको एडवाइस भी मिल जाती है, उसका इलाज भी पॉसिबल है क्योंकि आपके पास 2 से 3 महीने का समय है मेडिकल में, इसलिए प्री मेडिकल भी जरूरी है। अब जिसको कराना है वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं अकेडमी से, और फिजिकल के लिए भी आप आ सकते हैं क्योंकि फिजिकल के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। समय आपका मेरे अनुसार मैं आपको बताऊँ, अगर इलेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो मई 10 मई के आसपास से आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे, मई के महीने में फिजिकल क्लोज हो जाएंगे 20-25 दिन के अंदर अंदर ही। आंसर की आपको सबको पता है आंसर की जैसे आएगी उसके बाद में 10 दिन के अंदर अंदर आपके फिजिकली कट ऑफ भी मान के चलो, क्योंकि आगे का काम इसका पूरा का पूरा फास्ट ही होगा। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, मुख्य प्रभाव नहीं पड़ेगा, हो सकता है कि 5-10 दिन 4 दिन डिले हो जाए वो एक अलग बात है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरा इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में ही इसकी पूरी प्रोसेस शुरू होगी तो इस गलत फहमी में मत रहना, इसके चक्कर में आपका जीवन खराब हो सकता है। इसमें भी ध्यान रखना, कई बच्चों के साथ में ऐसा हो चुका है, आप उसके शिकार मत बन जाना। एक कट ऑफ के पीरियड अनुमान लगाना छोड़ दो, कट ऑफ पिछली कट ऑफ का अगर लगाना भी है तो पिछली कट ऑफ के आसपास ही लगाना, आप ये मत सोचना बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगी तो चक्कर में आप तैयारी ना करो, नई तैयारी कर लोगे तो भी शरीर बढ़ ही जाएगा, फिजिकल से नुकसान तो होगा ही नहीं ना, इसलिए इस बात का भी पूरा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।